हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सलमा सिद्दीकी दिल्ली से आप सबके साथ हूं। आज हमारे दिन की शुरुआत हुई लंच से, जिसमें बनना था ये कुछ भाजी, और ये भाजी है घीये की। गाइस, ये है ड्राइड घीया जो मेरी कश्मीरी फ्रेंड ने मुझे दिया था टेस्ट करने के लिए, और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। बनने के बाद ये कुछ कुछ कटहल जैसा लग रहा था, घीया बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो जो लोग घीया नहीं खाते हैं वो ऐसे करके खा सकते हैं। फिर मेरा मोस्ट अवेटेड पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से, जिसमें मैंने आज मंगाया था कुकवेयर। ये था ग्रीन शेफ का कुकवेयर, इसमें तीन चीज़ें आई थी गाइस, और ये बहुत ही अमेजिंग था। साथ में इंडक्शन बेस था, तो ये बहुत ही था, क्योंकि अब साना बनाती रहती है कुकिंग वीडियोस, तो उसके लिए चाहिए होता है एक अच्छा कुकवेयर। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मंगवा दे। इसमें कढ़ाई थी, पैन था, और एक छोटा सा पतीला था, वो भी हैंडल वाला। तो मैं बगाई थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये मुझे पड़ा था सिर्फ 600 रुपीज में। आप सोचो इतना सस्ता, 600 में कैसे। तो गाइज, क्योंकि मेरे फ्लिपकार्ट में बहुत सारे कॉइन जमा हो गए थे। जब आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो आपके कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं, सुपर कॉइन्स। तो मेरे तकरीबन 1800 सुपर कॉइन्स थे, और इसमें ये ऑफर था कि आप 1800 सुपर कॉइन्स दीजिए और ये आपको सिर्फ 600 में पड़ जाएगा, जबकि इसकी MRP थी 2300 रुपीज। तो गाइस है ना, मुनाफे का सोचा। आप भी ऐसे कर सकते हैं, जब आपके कॉइन्स इकट्ठे हो जाए तो आप कुछ भी ऐसा ऑफर अडॉप्ट करके इसको इसका फायदा उठा सकते हैं। और गाइस, ये बहुत ही हैवी क्वालिटी थे, ये बिल्कुल भी हल्के नहीं है, इनमें बिल्कुल भी खाना जला नहीं, अच्छे से पक गया। तो ये आ गया था। अब इसमें जो है अफसाना की वीडियोज बहुत अच्छी बनेंगी, ये देख सकते हैं आप। ये था इसका पैन, ये और ये पैन में भी और कढ़ाई में, दोनों में ये जो इसकी ग्लास लेट थी वो फिट हो रही थी। और फिर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा इसमें ये था, इसमें आप चाय बना सकते हैं, कुछ भी मतलब छोटा मोटा चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीनो एज यूजुअल आ गया था सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि इसे बहुत पसंद है कार्टन। ये एक्चुअली वेट कर रहा था कि जैसे हम इसमें से बर्तन निकाला और ये इसमें घुस के बैठे और फाड़े, तो बस इसमें लग गए थे। और फिर हो गया था डिनर का टाइम, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने फिर सीधा वीडियो बनाई डिनर के वक्त, जिसमें आज बना था हमारे शाही पनीर। गाइस, लच्छेदार पराठा हो और शाही पनीर हो तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। ये जो शाही पनीर और ये बना था, ये हमारा बना था उसी कुकवेयर में। कुकवेयर का तो डेमो आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर के चैनल अलिजामा पर, और इसकी रेसिपी भी शाही पनीर की। तो ये बड़े अमेजिंगली मैं बना था, तो मैं इसको मज़े से टेस्ट कर रही थी। तो फिर जो है हो गई थी रात, काम करते करते तकरीबन मुझे दो मुझे एक्चुअली आजकल मैंने अपना डेली रेजिम जो है रात को मैं स्किन केयर भी शुरू किया है, तो फिर और मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने अपनी हीट बेल्ट लगाई और फिर शुरू कर दिया अपना मैंने जो फेशियल रेजिम मैंने स्टार्ट किया। गाइस, ये मैंने एक ऑयल बनाया है, इसे मैं यूज़ करूँगी पहले खुद, फिर मैं इसका आपको 2 महीने बाद या 1 महीने बाद कम से कम मैं आपको इसका मतलब रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं क्या दिखाऊंगी, आप खुद मेरी वीडियोस में बताइएगा कि आपको मेरे फेस में डिफरेंस लगा या नहीं। तो ये कुछ ऑयल था, सारे ऑर्गेनिक असेंशियल ऑयल्स को मिला के मैंने ये ऑयल तैयार किया है, और जिससे कि अगर आप 5 से 10 मिनट मसाज कर लेते हैं तो गाइस आपकी जो ब्लेमिशेस हैं स्किन पर, पिगमेंटेशन अगर हैं, थोड़ी स्किन लूज हो गई है, तो आपकी स्किन इस तरीके से मसाज करने पे, ये सारे स्टेप्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप इसे 15 मिनट मसाज करें रात को और सो जाएं ऐसे ही फेस पर ऑयल को लगाकर। गाइस, इससे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। मैंने जस्ट 2 दिन ही, मेरे सेकेंड डे था आज, और मुझे अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। और ये जो जिस तरीके से आप डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे अपने मसाज में, तो गाइस ये वैसे भी आपकी जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उसे दूर करने में मदद करेगी। ये देखिए, मुझे लेनी थी रिंग फिंगर, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली। फिर मैंने फाइनली अपने रिंग फिंगर लिया और उससे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपनी आईज़ की भी मसाज की। गाइस, ये इससे आपकी आईज़ की जो सराउंड में ब्लड सर्कुलेशन है ये इंप्रूव करेगी, और जो धीरे धीरे करके आपके डार्क सर्कल्स भी रिमूव होने लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इफेक्ट, आपको इंस्टेंट रिजल्ट इससे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना गाइस, ये आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करते हैं। आपको इसे पूरी रात के लिए आप इसे छोड़ देंगे ना, तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मतलब स्किन जो है वो ऑयली हो गई है या पिंपल्स आ गए हैं, नहीं लगेगा। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसमें मैंने क्या क्या ऑयल्स डाले हैं, लेकिन आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये होते हैं कुछ प्रेशर पॉइंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम मैं गर्दन से नीचे तक अपनी कॉलर बोन तक ये फिंगर लेकर जा रही हूँ, इससे क्या होगा, आपका फेस पर जो वाटर रिटेंशन होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी, आपके फेस का भी और जो वाटर है वो उतर जाएगा, तो आपकी स्किन जो है और रेडिएंट हो जाएगी और टाइट हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मसाज, आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ गाइस, जब भी आप फेस मसाज कर रहे हैं साथ में हाथों को मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे हाथों को भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमारी फेस को। और गाइस, ये आप इसको देखेंगे आपके हाथ इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, इतने प्यारे लगेंगे ना, तो आपका खुद ही मन करेगा इन्हें किस करने का। तो चलिए, आज की वीडियो तो हुई हमारी खत्म, हम मिलते हैं कल। बाय।